फिरोजाबाद से जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप सिंह की तरफ से जो दिल्ली जा रहे किसानों को रोका जा रहा है उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली कूच के लिए किया किसानों और पदाधिकारियों को संबोधित। आइए देखते हैं इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा। चाहेंगे आपकी तरफ से क्या रणनीति है इसकी? रणनीति तो ये है, न तो किसान है सरकार रोक पा रही दिल्ली जाए देते हैं, दूसरी बैरिकेडिंग कर रहे हैं है? और गड्ढा खोद दे सड़कों पे, तो किसानों जान तो खोद दे गड्ढा, किसान खोद दे वो बैरिकेडिंग, किसानों का सरकार तो है पूरे उत्तर प्रदेश को। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगर सरकार या तो केंद्र सरकार जाके किसानों से बात करे और उनके आंदोलन को खत्म कराए, उनकी मांगे मान के, मांग केवल उनकी ये है कि MSP जो कानून बनाए हैं उससे MSP से नीचे न खरीदा जाए। तो इतनी सी बात कानून में बनाने की, या कानून जो बनाए हैं 3 अध्यादेश बनाए हैं उनमें MSP से नीचे न खरीदा जाए, इतना सा सरकार कर दे तो क्या फर्क पड़ रहा है उनमें है? तो केवल उद्योगपतियों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, तो किसान नहीं मानेगा और आंदोलन अब छिड़ गया है तो आंदोलन जम के होगा। दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली जाएंगे, या सड़कों पे बैरिकेडिंग करनी पड़ी, लाई खोदनी पड़ी तो वो भी करेंगे। जो सरकार कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, सही है। तो इसके लिए केवल पूरे किसानों से मेरा यही आह्वान है कि जो भी हो, जो भी आदेश मिले, या जो दिल्ली जाना है तो दिल्ली जाने के लिए राशन पानी लेके तैयार रहो, और अगर सड़कों पे बैरिकेडिंग करनी पड़े, जाम लगानी पड़े तो उसके लिए तैयार रहो सब लोग, ठीक। बैठक चल रही है, पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं दोपहर के बाद से, और सारी रणनीति हमारी लगभग तय हो चुकी है। या तो सरकार जल्द इस पे कोई बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में अपना कोई फैसला ले ले, किसानों से जाकर के वहाँ बात कर ले। अगर सरकार वहाँ जाकर के किसानों से बात नहीं कर रही है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो भी आदेश आएगा, अगला आदेश चाहे वो आज ही अभी कूच करने का आदेश हो, या कल सवेरे कूच करने का आदेश हो, या उनका आपातकालीन 24 घंटे आपातकालीन को सारी टीम को सभी प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी और मेंबर हैं सारे किसान भाइयों को ये कह दिया गया है कि आप अपनी पूरी तैयारी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अपना खाना दाना और अपनी रजाई कम्बल रख करके तत्काल आंदोलन में कूच करने के लिए तैयार रहें। 24 घंटे कभी भी आपको आदेश मिल सकता है, बाद बाकी जो भी आदेश होगा आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ठाकुर योगेश प्रताप जी से पूछ सकते हैं, उनका राष्ट्रीय जी का आदेश है। अब बाद बाकी जो भी हमारे अध्यक्ष जी आदेश देंगे वो हमें सर्वमान्य होगा और उसका बिल्कुल तत्कालीन 100% 100% उसका अनुपालन होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करें।